सुदामा जी को जब वापस कर दिया था, सुदामा ये भी नहीं जान पाए कि मुझे कितना मिला है। ध्यान रखना, भगवान कृष्ण के परिवार को दो श्राप लगे थे। पहला श्राप दिया था गांधारी ने और दूसरा श्राप दिया था दुर्वासा ने। कैसे यद वंश का विनाश होगा? तो भगवान कृष्ण एक बार अपने परिवार को लेकर के प्रवास क्षेत्र में गए। वहां जाकर के मदरा का पान किया। जब सब परिवार नशा में चूर हुआ तो आपस में तलवार बजी है। भगवान कृष्ण के सामने वो परिवार लड़ लड़ के मर रहा था। एक वृक्ष के नीचे कन्हैया लेटे थे तो जरा नाम के बहेलिया ने हिरण जान के बाण मारा, हिरण जान के, और वो तीर भगवान के तरवा में लगाया जाकर। जब मुंह से आह शब्द निकला उस समय वो बहेलिया जाकर के हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, प्रभु मैंने तो हिरण जाना था, क्षमा करना, मेरी गलती हो गई है। भगवान कह रहे हैं कि तेरी गलती नहीं हुई है, आज हिसाब बराबर हो गया है, बदला पट गया है। पहले तू बाली था और मैं राम बन के आया, उस दिन छिपके मैंने मारा था और आज छिपके तेने मारा है। ध्यान रखना, बदलो भगवान पे उन्हें रहो। तरवा में बाण लगा था उस समय भगवान कृष्ण ने, बच्चों बात बंद कर दो, हस्तिनापुर को सूचना भेजी है, अर्जुन को बुलवाया, अर्जुन से कहा हे पारथ, इन गोपिकाओं को लेकर के तुम अब हस्तिनापुर चले जाओ, ये द्वारका सातवें दिन समुद्र में डूब जाएगी, अब डूब जाएगी। तो पारथ उन गोपिकाओं को लेकर के चले हैं। राजस्थान में जो भीलभाड़ा स्थान पर था वहां होकर के आए थे, तो भीलों ने जब आक्रमण किया अर्जुन के ऊपर, तो ध्यान रखना अर्जुन जैसा महारथी जिसके गांडीव धनुष की टंकार से देवता ही आते थे, आज भीलों ने आक्रमण कर दिया, गोपिकाओं की लूट हो गई। क्यों बताया हमारे गुरुजी ने, सदारे दिन रहतन एक समाना, सदारे दिन रहतन एक समाना, सदारे दिन रहतन एक समाना, एक दिन राजा हरिचंद की माया एक समाना, एक दिन राजा हरिचंद की माया एक समाना, और एक दिन जाई बिखे काशी में समाना, और एक दिन चाय बिके काशी में मरघट के दरमियाना, सदा दिन रहते ने एक दिन राजा रावण के देवता बंदी खाना, अरे एक दिन राजा रावण के देवता बंदी खाना, और एक दिन जब सिया चुराई के देवताए बंदी खाना, और एक दिना जब सिया चुराई मिट गए और नाम निशाना, सदा दिन रहतन एक समाना, एक दिना कुंती के अर्जुन ने जीतो समर जहाना, अरे एक दिना कुंती के अर्जुन ने जीतो समर जहाना, और एक दिना यज टूटी को पिता समर जहाना, और एक दनाज लुटी गोप का बेई अर्जुन बेई बाना, सदा दिन रहतन एक समाना, एक दिन बरना चढ़े पालकी घेरे लगे निशाना, एक दिन बरना चढ़े पालकी घेरे लगे निशाना। देखो जब बरना बनाए जाते हैं तो हल्दी के लाल पीले टिपका लगाए जाते हैं,
एक दिन तो वो हो तो बेई शरीर पे एक दिन कौन सा आते बंधु अर्जुन चले। उस समय भगवान कृष्ण का गोलोक धाम गमन हुआ। गोलोक धाम को भगवान चले। संसार के 14 भवनों की संस्कृतियां बंद हो गई। कोई ये नहीं देख पाया कि वो रूप कहां चला गया। थोड़ी देर के लिए हाँ, थोड़ी देर आसन पर विराजमान हो। राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें अंतिम उपदेश बता रहा हूं। 4 वेद 6 शास्त्र में अब बात लिखी है। दो सुख दें सुख हो तो, और दुख दें दुख। आप किसी को सुख दोगे तो सुख मिलेगा, और बिना कारण किसी को कष्ट दोगे तो कष्ट भोगना पड़ेगा। ऐसे कोई मेट नहीं सकता। हाँ बराबर आओ दोनों। तो उस समय राजा परीक्षित को कथा सुनने से मिला क्या? इतना मिला कथा सुनने से कि वो सर्प जो आ रहा था उसके काटने से पहले ही आत्मा परमात्मा में लीन, केवल शरीर बैठा रह गया शरीर। और तब वो सर्प आया है क्योंकि साधु की वाणी सत्य होनी थी। आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। ये मिल पाया 7 दिन में कथा सुनने से केवल। बस अरे कायो राजा कारेने परीक्षित कायो राजा कारेने परीक्षित लयो हे नाथ में हो भाई। ओए कायो राजा कारेने परीक्षित कायो राजा कारेने परीक्षित लयो हे नाथ में हो। मोक्ष हुआ। ध्यान से सुने कि परीक्षित जी को नाक में ही क्यों काटा? पूरा शरीर छोड़ के, क्योंकि श्री सुखदेव जी ने यह कह दिया था राजन परीक्षित पहले ही दिन कि भगवान की कथा में कहीं शंका मत करना। रात 11 बजे मेरे पास एक फोन आया मैनपुरी से कि शास्त्री जी आपने किसी कथा के प्रसंग में द्वारका को 100 योजन में बताया है। तो मैं लला बता दी हुई तो कन्या लोग शंका कर रहे हैं कि 100 योजन के तो 400 कोस है गए, तो फिर सभी गुजरात ना आए इतनी लंबी। तो मैंने की जवाब चाहिए कि हाँ मैं रामायण पढ़ते हो कि पढ़त तो ना है पर मिन जावे ही। तो मैं रामायण अगर तुम्हारे पास हो तो रामायण के पढ़वैया यूं बैठे जिस समय सुरसा नाम अहिन की माता और पठवा जाए कही ते ही बाता। तो वो सर्पों की जो माँ गई थी सुरसा हनुमान जी की परीक्षा लेने, तो ध्यान रखना कि जिस समय सुरसा ने 100 योजन का मुंह फाड़ा है, ये लिखा है सतयोजन आनन तब कीना अति लघु रूप पवन सुतली। जब 100 योजन का मुंह एक नारी का हो सकता है तो एक नगर को 100 योजन में बताया नहीं जा सकता है ना।
बताओ रामायण में सौयोजन लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या सुरसा ने सौयोजन में तो मोही फारो और सोई हनुमान जी ने छोटो रूप बना के बाकी मुंह में डोल डाल के लौट के निकल गया? तो उन्होंने की गुरु जी जी लिख रही है रामायण में सौयोजन को मुंह में लला, देख लियो पढ़ लियो तो सवेरे बता दियो, फिर ना सवेरे फोन आओ बताओ। तो ये ग्रंथ और पुराण जो हैं ये शंका का घर है, इनमें हम और आप शंका कर नहीं सकते, कर जाओगे तो बहुत फंस जाओगे। इसीलिए जब सुखदेव जी ने कहा था कि भागवत में कहीं शंका मत करना, कथा में कहता रहूंगा, तो उस समय शंका कहां कर गए थे कि राजन परीक्षित तुम्हारे वंश में बलधारी भीम इतने बड़े योद्धा थे कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में हाथी को उठाकर ऊपर फेंक दिया, वो लौटा ही नहीं, बस जा जगह कई कछराई नेक नाक से कोड़ गए कि बच्चो इतनी फेंको तो फिर कबूतर तो गितो गौ का। शंका हो गई थी परीक्षित को, केवल नाक सिकोड़ने से वो नाक ही कच्ची रह गई थी, इसलिए फन नाक नहीं। हाँ, सब नगरवासी ध्यान से सुने, कल कोई भी अपने घर दूध नहीं रखे, सब अपना अपना दूध पहुंचा दें, भैंस का गाय का, कोई दूधिया कड़वाने आए तो उस पर जुर्माना लगेगा। सब अपना अपना दूध भंडारे में पहुंचाएं। एक बात को विशेष ध्यान रखियो, अगर कोई बच्चा है घर में तो वैसी बचा लियो थोड़ो सो, लेकिन ऐसो काम कबू मत करियो कि निकाल ले एक किलो पानी कर दिए, ऐसा नहीं। क्यों? क्यों? उसे कोई नहीं देख रहा है, तो वो ऊपर वाला नीली छतरी वाला बाकी इतनी लंबी आंख है कि हम और तुम छिप ही नहीं सकते उससे, तो जितनी जरूरत है उतनी वैसे निकाल लेना, लेकिन पानी मत मंगाना। तो जिसकी भी जितनी श्रद्धा हो दूध कल भंडारे में भेजे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो चलो, जहां की आ रही है वो शिवजी भाई, तो फिर भेजो जल्दी।